ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। लंबे इंतजार के बाद आज से 10वीं की ऊपर की कक्षाएं शुरू कर दिया गया। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 50% की उपस्थिति के साथ छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है और ये व्यवस्था अल्टरनेट डे के हिसाब से जारी रहेगा। स्कूल में इसे लेकर क्या व्यवस्था है और क्लासरूम में छात्र कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, इसे लेकर पटना के बाकीपुर और मगध महिला कॉलेज में हमारी संवाददाता ने जायजा लिया। क्या कहा छात्रों ने और क्या कहे वहाँ के प्रिंसिपल, आप भी सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, तो सब हल्ला गुल्ला हो रहा है, नॉर्मल हो गया स्कूल का, ऐसे घर में तो मन नहीं लगता। काश हम लोग का भी स्कूल खुले अगले मंथ, मैम तो बोली है स्कूल खुल जाएगा 10th का भी, तो हमको बहुत खुशी है सब दोस्त आपके साथ मिलने में है, और खुशी हो रहा है कि सब मैम सबको देखे आज इतना दिन के बाद, बहुत और बहुत थैंक यू। अनु कुमारी, क्लास 10th ए सेक्शन ए, नॉट नंबर बस इनकरेक्ट जिसका हो गया था उसको करेक्ट करने के लिए मैम बुलाई थी हम सबको स्कूल, तो वही हम सब जमा करने आए थे। अभी स्कूल खुल गया, कॉलेज सब खुल गया, अब हम सबको लगता है कि एक वन वीक के बाद अच्छा हालात रहा तो हम सबका स्कूल भी शायद खुले, और हम लोग का स्कूल आके बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग अपने फ्रेंड्स से मिले बहुत दिन के बाद, मैम लोग से मिले, बहुत मज़ा आया। और घर पे रहते रहते इवेंट सब बोर हो ही जाते हैं, एंड दिस इज़ द 10th एग्जामिनेशन ईयर, और हम लोग को नेक्स्ट ईयर मैट्रिक का एग्जामिनेशन देना, तो अपनी पढ़ाई को लेकर अवेयरनेस होना चाहिए, और अवेयरनेस तभी हो सकता है जब हम लोग टीचर्स को फेस टू फेस मतलब उनको देखें, और ऑनलाइन क्लास में उतना अच्छा से नहीं मतलब एक दूसरे से बातें हो पाती हैं जितना ऑफलाइन में हो जाती है। हम लोग अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, कुछ एक दूसरे से मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं अपनी चीज़ें, कुछ टीचर से पूछ लेते हैं, और उसमें थोड़ी सी भी झिझक नहीं आती। जहाँ कहीं कुछ कुछ विभागों में क्लास बचा हुआ है तो उनके बच्चे अभी आए हैं, आज फर्स्ट डे है तो उनको भी समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह अनलॉक 4 को फॉलो करेंगे और 50% ही बुलाएंगे। ये हम लोगों ने एडवाइजरी की मीटिंग 7 को करके तय कर लिया है कि हम इन लोगों को रोल नंबर वाइज कैसे बांटना है, अगर 60 स्टूडेंट तो 30 को बुलाना है, 30 को नेक्स्ट डे बुलाना है, तो सारी बातें हैं ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल होगा, जो कि टीचिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग के लिए। अभी तक हम लोग का थ्योरी हुआ है, ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो मैम बोली वो भी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे क्लास का वातावरण, फ्रेंड से मिलना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सर लोग से इंटरेक्ट होगा तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। बस ये मेरा नाम शैलजा कुमारी, फर्स्ट ईयर BEd 1st ईयर। थैंक यू। लेकिन उसमें सिर्फ हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रहा था, जो अब ऑफलाइन होने जा रही है इससे हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। जैसे कि कल से हम लोग का वर्कशॉप शुरू होने जा रहा है, वर्कशॉप शुरू होने जाएगा, फिर कुछ दिन में हम लोग को इंटर्नशिप के लिए स्कूल भी भेजा जाएगा, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी थी हम लोग के लिए, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। और ऑनलाइन से तो प्रोटोकॉल के तहत गवर्नमेंट का जो आया था 50% को बुलाना, तो हम लोग 50% बच्चे को ही बुलाए, 50% को बुलाए, 12th तो है ही नहीं, 11th वाली प्रमोट हुई है 12th में, तो उन लोगों का 1 to 75 रोल नंबर, और नेक्स्ट ट्यूसडे अल्टरनेशन में फिर 76 टू रेस्ट जो है सबका रहेगा। और इन लोग को बुलाने के बाद क्लास में हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके सब कुछ जिगजैग में बैठाए, एक क्लास में सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आए, मास्क लगा के आए, पॉकेट सैनिटाइजर भी उन लोगों को कह दिए थे अपना लेके आने के लिए, वाटर बोतल लेके आने के लिए, और क्लासेस जैसे रेगुलर होता है वैसे टीचर्स मेरी अपना लेकिन साफ सफाई
मुझे तो अच्छा लग ही रहा है कि यदि बच्चे आते हैं स्कूल, हम आ ही रहे हैं, बच्चे आते हैं, उन लोगों का ऑनलाइन क्लास तो लेना है, मजबूरी है, लेकिन क्लास में जो पढ़ाई होती है उसका कोई फिर कोई दूसरे वे में पढ़ाई जो होती है उससे कोई तुलना नहीं होती। आई कॉन्टैक्ट होता है, बच्चे कितना समझ रहे हैं क्या है, बच्चों को भी खुशी है, धीरे धीरे और भी अटेंडेंस बढ़ेगा इन लोगों का और पढ़ाई शुरू होगी। टीचर्स भी आ ही रहे थे मेरे यहाँ, लेकिन बच्चे आ रहे थे, उन लोगों को भी अच्छा है।